सेकेंड टर्म डे 13। आज हम लोग करेंगे इंग्लिश वीक की ट्रांसलेशन यूज ऑफ वोस। हम लोग उर्दू दी हुई है, आपने इसको इंग्लिश में चेंज करना है, जिसमें आप लोगों ने वोस का यूज़ करना है। और वोस का मतलब होता है था या थी। वोस हमेशा सिर्फ एक चीज़ या एक इंसान के लिए यूज़ करते हैं, और आई यानी कि मैं, इसके साथ हमेशा वोस आता है आपका। मैं भूखा था, आई का मतलब होता है आई, और मैंने आपको बताया था कि आई के साथ हमेशा वोस यूज़ करते हैं। आई वॉज, भूखा की इंग्लिश होती है हंग्री, एच यू एन जी आर वाई, हंग्री। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। और लास्ट में आपने फुल स्टॉप लगाना है। सेकंड है आपके पास वो परेशान थी। अब आपने देखना है कि वो परेशान थी, थी का मतलब हमेशा थी गर्ल के लिए यूज़ करते, तो हम लोगों ने वो की इंग्लिश में शी यूज़ करना है, और शी के साथ हमेशा वो जाता है। एस एच ए शी वॉज अपसेट, यू पी अप एस ई टी सेट। सेकेंड लास्ट है आपका लोमड़ी चालाक थी। एक लोमड़ी है तो हम लोग लिखेंगे फॉक्स, एक चीज के लिए हम लोग हमेशा वोस का यूज करते हैं, डब्ल्यू ए एस वोस, फॉक्स वोस क्लेवर, सी एल ई वी ई आर क्लेवर, फुल स्टॉप। और लास्ट है वो खुश था। था मीन, हम लोग यहाँ पे बॉय की बात हो रही है तो हम बॉय के साथ हमेशा ही का यूज़ करते हैं, और एक है बॉय तो हम लोग यहाँ पे था की जगह वॉज लगाएंगे, ही वॉज हैप्पी, एच ए डबल पी Why happy? He was happy. मैं भूखा था, I was hungry. वो परेशान थी, she was upset. लूमड़ी चलाक थी, fox was clever. वो खुश था, he was happy. आपने याद करके अपनी नोटबुक पे नोट करना है।